Good afternoon, everyone. In the previous class, we studied about three different taxonomical aids. First one was botanical garden, second museum, and third zoological parks. Now in today's class, we are going to study about the next taxonomical aid, that is biodiversity parks. So let's start with the biodiversity park. Biodiversity park. So what do you mean by biodiversity parks? Biodiversity parks हम किसे कहते हैं? First thing, the rough idea is that कि biodiversity parks, it's a huge area, एक ऐसा huge area होता है जिसके अंदर more than 2 to 3 ecosystems present होते हैं. 2 to 3 ecosystems, दो या दो से ज़्यादा ecosystems के उस area के अंदर present होते हैं. एंड उस इकोसिस्टम के अंदर जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, ऑल दिस प्लांट एनिमल स्पीसीज, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग. वी कैन से दे फॉर्म द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्विकली नोट डाउन सम पॉइंट्स अबाउट दिस बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली राइट डाउन द डेफिनेशन. बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की डेफिनेशन हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट. सो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर और वी कैन से बायोडाइवर्सिटी पार्क इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. It is an ecological assemblage of species that form self-sustaining communities. That form self-sustaining communities. That form self-sustaining communities on a degraded or barren landscape. On a degraded or barren landscape. We'll note down one more point about this biodiversity park and then I will explain both the points together. So ये जो biodiversity park होते हैं, they may consist of two or more than, or we can say two or three or even more than three types of ecosystems. It may consist of more than 2 to 3 types of ecosystem. It may consist of more than two to three types of more than 2 to 3 types of ecosystem. कितनी? दो या तीन से ज़्यादा different types के ecosystem इस particular region के अंदर present होती है. तो first of all, now we have to understand कि biological biodiversity parks होते क्या हैं. जैसे कि just now I mentioned कि biodiversity park they themselves are the huge areas. तो एक ह्यूज एरिया होते हैं. कहाँ पर होते हैं ये? बैरन लैंड. बैरन और डिग्रेडेड लैंड. बैरन या डिग्रेडेड लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड दैट कैनॉट बी यूज्ड अंडर कल्टीवेशन, दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. ऐसी जगह जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी लैंड को कहते हैं बैरन या डिग्रेडेड लैंडस्केप. लेट्स से दिस इज द बायोडाइवर्सिटी पार्क. This is a huge biodiversity park. This is in order to understand the meaning of this definition, we are going to discuss one simple example over here. Let's say this is a biodiversity park.
बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है? अ ह्यूज लैंडस्केप. किस तरह का? डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप. ओके, नाउ दिस बैरन लैंडस्केप और वी कैन से दिस डाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 to 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. व्हाट डू यू मीन बाई इकोसिस्टम? इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम का मतलब होता है इन अ सिंपलेस्ट वे, और वी कैन से द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इट कैन बी डिफाइन एज अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज इकोसिस्टम? इट्स अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट लिव टुगेदर. अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड इंटरैक्ट विथ इच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट. एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर, पर्टिकुलर रीजन के अंदर ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं वन इकोसिस्टम. सो लेट्स से, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 or more than 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम. तो लेट्स से दिस इज वन इकोसिस्टम, दिस रीजन इज ऑक्युपाइड बाय अनदर इकोसिस्टम, दिस इज अनदर इकोसिस्टम. सो लेट्स से दिस इज वन इकोसिस्टम, this is second, third ecosystem, this is fourth ecosystem, and here is the smallest fifth ecosystem. ठीक है, so these are the more than 2 to 3 types of ecosystems इसके अंदर हो गई. इस biodiversity park के अंदर there can be presence of more than 2 to 3 types of different ecosystems. क्या होते हैं ecosystems? For example, desert ecosystem. Then grassland ecosystem, then wetland ecosystem, then terrestrial ecosystem, and aquatic ecosystem. Here fifth I'm not mentioning here because the space is very less, so but you can understand there is an aquatic ecosystem. Inka matlab kya hota hai ecosystem ka? Just now maine abhi just thodi der pehle humne discuss kiya the meaning of ecosystem. Kya hota hai? It's a community or a group of living organism. To desert ecosystem mein is tarah ka ek is region ke andar aise ek group hoga all living organisms ka. इसमें दोनों आएंगे, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, एंड वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म टर्म रिलेट्स टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अभी. डेजर्ट इकोसिस्टम, हियर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम. तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, देन वी कैन से क्रीपर्स, यानी जो जमीन पर रेंगते हुए ऐसे एनिमल्स लाइक स्नेक एंड द रिलेटिव्स ऑफ द स्नेक, ऑल दीज एनिमल्स दे आर लिविंग टुगेदर, दे लिव टुगेदर, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर. इस तरह से रहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. दे आर समहाउ और अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. दे आर इंटर, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं फॉर वन और अदर रीज़न. एक किसी न किसी रीज़न से एक दूसरे के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ एटीट्यूड, सच टाइप ऑफ बिहेवियर, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग. उन्हें सर्वाइव करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए किसी अदर सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है. दैट्स वाई वी से दैट दे फॉर्म, हियर वी आर मेंशन दैट दे फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज. कम्युनिटीज का मतलब होता है एक ग्रुप. दे फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज, दे फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज. आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, दिस फ्रेज? सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटीज जो सेल्फ सस्टेन करती है, खुद को सस्टेन करने के लिए किसी दूसरे रिसोर्स की जरूरत नहीं होती. दे आर कैपेबल इनफ, दे देमसेल्व्स आर कैपेबल इनफ टू सस्टेन देमसेल्व्स. दैट इज वॉट सेल्फ सस्टेनिंग इज, सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज. एंड हाउ डू दे सेल्फ सस्टेन देमसेल्व्स? बाय हेल्पिंग ईच अदर, बाय इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स, बाय लिविंग टुगेदर.
because they are some or other dependent on each other, maybe for food purpose or for some shelter purpose. एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है, कोई एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर या फिर प्लांट के ऊपर शेल्टर के लिए डिपेंडेंट है. सो दिस इज हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे सस्टेन देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग इच अदर. दैट्स व्हाई वी से दैट दे फॉर्म द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. एंड द सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर ग्रासलैंड वाला एक लार्ज एरिया होगा जहाँ पर केवल ग्रासलैंड ही, केवल ग्रास ही ग्रास है. तो ऐसी लैंड को हम कहेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम. देन अगर पॉन्ड है तो हम पॉन्ड को क्या कहेंगे? एक्वाटिक इकोसिस्टम. पॉन्ड, लेक, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम. डेजर्ट यानी रेगिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम. तो डेजर्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स दिखाई देते हैं, ऑल दे कम दे आर द पार्ट ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम. ग्रासलैंड के ऊपर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, क्रीपर्स, इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. वेटलैंड इकोसिस्टम मतलब ऐसी जमीन जहाँ पर पानी भरा होता है, दलदल वाली ज़मीन जो होती है, वी कॉल इट एज वेटलैंड इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी बहुत लंबा सा, बहुत स्प्रेडेड एक टेरेस्ट्रियल लैंड, एक पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल लैंड, एक लैंड का पोर्शन जहाँ पर कई सारे प्लांट्स, एनिमल्स ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, एक साथ रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. ऑल दिस आर द डिफरेंट इकोसिस्टम्स, दे आर द पार्ट ऑफ वन बायोडाइवर्सिटी पार्क. तो वॉट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. तो इन डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं, इन लिविंग स्पीसीज की वजह से ये कहा जाता है कि इट्स एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है. इकोसिस्टम्स बनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग स्पीसीज से. दैट्स वाई इट इज एन असेंबलेज. असेंबलेज मीन्स गैदरिंग, कलेक्शन. इट इज एन असेंबलेज, इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. ऐसी स्पीसीज जो फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करेंगी? सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज. एंड हाउ डू दे फॉर्म द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज? दैट आई जस्ट डिस्कस नाउ. कहाँ पर करती है ये फॉर्म? ऑन अ डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप. डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप का मतलब भी हमने डिस्कस किया. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क. क्या है बायोडाइवर्सिटी पार्क? एक लार्ज एरिया जिसके अंदर मोर देन 2 to 3 इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, और इन इकोसिस्टम्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, दे आर द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट. सो नाउ व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज दैट के इन अ बायोडाइवर्सिटी पार्क मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स दे लिव टुगेदर. In biodiversity parks, what happens? Many organisms of different types, they live together. Biodiversity park में बहुत सारे animals एक साथ रहते हैं, बहुत सारे organisms एक साथ रहते हैं. They show interrelations among themselves. एक दूसरे के साथ वो interrelation show करते हैं. They show interrelations among themselves. एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटररिलेशन शो करते हैं. सम और अदर दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटररिलेशन. तो ये इंटररिलेशन को समझने के लिए हमें उनको स्टडी करना होगा. हमें इन ऑर्गेनिजम्स का, इन डिफरेंट स्पीसीज का स्टडी करना होगा. और ऐसे डिफरेंट स्पीसीज की स्टडी को ही कहते हैं स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी. दैट्स व्हाई द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड देयर इंटर रिलेशंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल. Why it is essential? To understand their interrelation. To understand
their interrelations. तो इनकी इंटर रिलेशन को समझने के लिए हमें वी हैव टू परफॉर्म द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बट हाउ डू वी परफॉर्म द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इन ऑर्डर टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिकली. सो द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज इसेंशियल टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन is essential for what? To study biodiversity. हमें बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करना होगा. ओनली देन वी कैन स्टडी देम इन अ लेसर टाइम. अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू स्टडी ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली. तो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हमें ग्रुप करना होगा. वी हैव टू प्लेस दिस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वी हैव टू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स विथ विच शो सिमिलर कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर ग्रुप. एंड दिस मेथड और वी कैन से दिस टेक्निक ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. We are going to discuss this classification, this term classification, in more detail in the next chapter. Next chapter में systematics of living organisms, इसके अंदर हम इस term को थोड़ा और detail में study करेंगे. Classification किसे कहते हैं? फिलहाल आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि how do we classify the organisms on the basis of their similarities and dissimilarities of characteristics shown by them. और living organisms जो characteristics show करते हैं उनके सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में प्लेस करेंगे. और इस मेथड को ही कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं क्लासिफिकेशन. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. तो फर्स्ट थिंग हमें क्या ध्यान में रखना है रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, इट्स एन इकोलॉजिकल असेंबलेज. फर्स्ट तो जैसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, हमारे माइंड में आना चाहिए एक ह्यूज एरिया जिसके अंदर मोर देन 2 to 3 इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है. फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग, हमें ये ध्यान में रखना है कि इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज. इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज किस तरह से? दैट वी स्टडीड, दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन अ डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप. सो वी हैव टू इन द बायोडाइवर्सिटी पार्क many organisms they are present, they survive together, they show interrelations. Unka interrelation study karne ke liye we have to study biodiversity, and to perform the study of biodiversity there is a requirement of systematic classification. So this is all about biodiversity. Now biodiversity parks, now here we have to mention one very famous biodiversity park. The name of or we can say the example of famous biodiversity park, and the name of that park is now I'm sure that you must be knowing the name of that biodiversity park. There is one and only which is mentioned in your textbook. The name of or the example is late Uttam Rao Patil Biodiversity Park. Example. So example. Of biodiversity park. Late उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क. वेर इज इट? गुरेगर महाबलेश्वर पार्क, गुरेगर महाबलेश्वर. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क. यस, इट इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप. सो नाउ हियर लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क. बायोडाइवर्सिटी पार्क्स का सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए, लेट्स क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स मेंशन द सिग्निफिकेंस. क्या इंपॉर्टेंस है?
In the biodiversity parks, many species, they survive in one specific area. First significance, in biodiversity parks, many organisms survive in one specific area. राइट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग इज दैट दिस इज द इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म. सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस इकोलॉजिकल असेंबलेज इज सेल्फ सस्टेनिंग. वी कैन से दिस इकोलॉजिकल, ये जो इकोलॉजिकल असेंबलेज है, इट इज सेल्फ सस्टेनिंग. सेल्फ सस्टेनिंग. एंड हाउ डू दे सेल्फ सस्टेन? दैट वी ऑलरेडी मेंशन, बिकॉज दे आर सम और अदर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. दैट्स वाई टू सर्वाइव दे डू नॉट रिक्वायर सम अदर रिसोर्सेस. एक दूसरे की हेल्प करके वो सस्टेन करते हैं खुद को सर्वाइव करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेल्फ सस्टेनिंग. देन in the biodiversity park, we can say that these biodiversity parks are the areas which are limited, or we can say they are demarcated for education, training, as well as research purpose or research activities. These are the areas demarcated for education, training, as well as research purpose or activities. इन तीन चीज़ों के लिए वो लिमिटेड होती है. बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर हम इन तीन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एज वेल एज रिसर्च. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स. नाउ यहाँ पे वी मस्ट मेंशन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ और इंडियन साइंटिस्ट टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी पार्क. यस, वी हैव अवर इंडियन साइंटिस्ट. द नेम इज डॉक्टर एस पी आगरकर. सो द इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर एस पी आगरकर, ही एक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट. इंडियन साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. इंडियन साइंटिस्ट, क्या नाम है उनका? डॉक्टर एस पी आगरकर. What did he do? He explored the biodiversity of Western Ghat. He explored the biodiversity of Western Ghats. हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट के अंदर उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को खोज निकाला. बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर किया, तो एग्जैक्टली व्हाट डिड ही एक्सप्लोर? क्या एक्सप्लोर किया उन्होंने, क्या खोज के निकाला? ही एक्सप्लोर द स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर जेलीफिश. क्या एक्सप्लोर किया इन्होंने? ही एक्सप्लोर द स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर जेलीफिश. फ्रेश वाटर जेलीफिश को उन्होंने यहाँ पर खोज निकाला. जब तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था वेस्टर्न घाट के अंदर इस फ्रेश वाटर जेलीफिश को, तब तक ये माना जाता था कि ये जो जेलीफिश है, फ्रेश वाटर जेलीफिश, इज फाउंड ओनली इन अफ्रीका. लेकिन कब तक? जब तक डॉक्टर एस पी आगरकर ने इस फ्रेश वाटर जेलीफिश को हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट में एक्सप्लोर नहीं किया था तब तक. Right, so this is the wonderful contribution of Dr. S. P. Agarkar. Right, so until then, so we can say that, yeah, this much is enough. So freshwater jellyfish ko unhone explore kiya,
और तब तक ये माना जाता था कि ये जेली फिश केवल अफ्रीका में पाई जाती हैं, बट जैसे ही उन्होंने एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये जेली फिश अफ्रीका में ही नहीं, हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती हैं। सो दिस इज द वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एस पी अगरकर टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी पार्क बिकॉज ऑफ हिज नोबल कॉन्ट्रीब्यूशन और नोटिसेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। पुणे के अंदर जो ARI इंस्टीट्यूट है, दैट इज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट नेम, द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, दिस नेम हैज़ बीन गिवन आफ्टर दिस साइंटिस्ट नेम। इस साइंटिस्ट के नाम पर ही इस इंस्टीट्यूट को नाम रखा गया, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। एक एग्जाम्पल, ARI स्टैंड्स फॉर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, वेयर इज इट? इन पुणे, इंस्टीट्यूट पुणे। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट नेम। सो दिस इज द वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी पार्क। नाउ लेट्स क्विकली रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, बायोडाइवर्सिटी पार्क। So now I'm going to read the same topic from your textbook, Biodiversity Parks. It is an ecological assemblage of species that form self-sustaining communities on degraded barren landscapes. This is what the definition is, and we explain this definition elaboratively. Right. Example diya yahan par, late Uttamra Patil Biodiversity Park, Guregar, Mahabaleshwar. Yes, we already mentioned this example of biodiversity park. Now, this park is the best model for conservation of natural heritage in urban landscape. Ek bahut acha model hai for the conservation of natural heritage urban landscape ke andar. Urban landscape matlab shahri area ke andar natural heritage ke conservation ka ye best model hai, best example hai. Now, the systematic classification of living organisms is helpful in understanding the interrelations. So, we know that ki jo living organisms hai ek dusre ke sath interrelation show karte hain, aur inko interrelation show samajhne ke liye hame unko study karna hai, and for that study of biodiversity is essential, that we already discuss. In order to understand interrelations between organisms and maintain harmony on planet Earth, study of biodiversity is a must, right? इसका मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरलेशंस को समझने के लिए एंड इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरलेशंस एंड टू मेंटेन द हार्मनी ऑन द प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ के ऊपर हार्मनी मेंटेन करने के लिए स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ मस्ट, बहुत इसेंशियल है, बहुत हाईली रिक्वायर्ड है। एंड नाउ हियर इज इन दिस येलो बॉक्स देर इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एस पी अगरकर इज मैंशन। सो नाउ आई एम क्विकली गोइंग थ्रू इट। डॉक्टर एस पी अगरकर वन ऑफ द लीडिंग बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के लीडिंग बॉटनिस्ट हैं डॉक्टर एस पी अगरकर। बॉर्न इन नवम्बर 1884 इन मालवन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मालवन एरिया में इनका जन्म हुआ है नवम्बर 1884 में। ही एक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी इन्होंने खोज निकाली। वेर ही केम अक्रॉस अ स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर जेली फिश, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जेली फिश की, फ्रेश वाटर जेली फिश की स्पीसीज वहाँ पर सर्वाइव कर रही है। तो फ्रेश वाटर जेली फिश, फ्रेश वाटर का मतलब होता है द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर, दैट इज़ फ्रेश वाटर। जो पानी तालाब या वी कैन से पॉन्ड में, लेक में होता है, रिवर के थ्रू बहता है, उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। उसके अंदर जेली फिश को उन्होंने ढूंढ निकाला, एक्सप्लोर किया, विच वॉज अंटिल देन ओनली नोन टू बी फाउंड इन अफ्रीका। और ये एक्सप्लोर करने तक ऐसा माना जाता था कि ये फ्रेश वाटर जेली फिश केवल अफ्रीका में पाई जाती है। दिस फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल नेचर इन 1912। और ये जो फाइंडिंग्स है, ये जो उन्होंने एक्सप्लोर किया, खोज निकाला, ये पब्लिश किया गया इन साइंटिफिक जर्नल नेचर के अंदर इन 1912 में ये पब्लिश हुआ। डॉक्टर आनंदले
and super he is the superintendent of the Indian Museum in Kolkata, helped Dr. Agarkar in his further endeavor to collect, preserve and conduct microscopic examinations of animal and plant specimens. तो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आनंद ले, इन्होंने डॉक्टर अगरकर को हेल्प की ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये बाकी दूसरी चीज़ें रेलेवेंट चीज़ें करने के लिए. एंड द इंस्टीट्यूट ARI पुणे हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम. पुणे के जो ARI इंस्टीट्यूट है इसको नाम दिया गया है इस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर. सो दिस इज़ अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. नाउ द लास्ट टैक्सोनॉमिकल की, द लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज की, लेट डिस्कस अबाउट इट. की, सो व्हाट डू यू मीन बाय की? की को इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल की और टैक्सोनॉमिक की. वेरी इंटरेस्टिंग टैक्सोनॉमिकल एड. सो की, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक की. इस वर्ड को रीड करने के बाद इट साउंड जस्ट लाइक द की ऑफ अ लॉक, एक ताले की चाबी ऐसा लगता है. बट एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये चाबी ही है एक तरह से. कैसे? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस की वी कैन अनलॉक द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. समझ में आ रहा है कुछ? बिकॉज ये जो की है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर्स, और इन अपोजिट कैरेक्टर्स की हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. सो इन दैट सेंस इट्स अ की, key of classification, key of classifying or identifying the different organisms. So now, first of all, what we are going to do is we will mention some important points related to this key, and then I will explain each of these points in detail. So let's quickly note down some important points relevant to key. So what is key? So taxonomical key, taxonomical, so what is this taxonomical key? Taxonomical aid used for the classification of plants and animals is called taxonomical key. The taxonomical aid used for classification of plants and animals. Classification कहो या identification कहो, of plants and animals इसे हम कहते हैं key. So this is the one sentence definition of the term key. की क्या है? एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका यूज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई करने में. सेकंड पॉइंट, दिस कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर्स, एंड दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. ये किस तरह से पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दैट वी विल डिस्कस. वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल.
नाउ द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू मेंशन ओवर हियर इज दैट कि जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड व्हाइल द अदर इज रिजेक्टेड. सो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन one of the characters, or we can say the contrasting characters, one of the contrasting characters is accepted and the other rejected, and the other is rejected. We will explain this point as well. और इस contrasting character, और we can say key के अंदर जो statement होता है, हर एक statement को, each statement in a key is called lead. Each statement इन अ की, हम इसे कहते हैं लीड. इट इज रेफर्ड एज लीड. हर एक स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ की, उसको रेफर करने के लिए टर्म यूज की जाती है लीड. तो ये सब क्या है? नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक की और द की, लेट्स टेक वन वंडरफुल एग्जाम्पल. Here we'll take example of few organisms, few animals. The example of animals that we are going to take over here are frog, fish, bat, cat and bird. So the animals or the organisms are frog, fish, bat, cat and bird. So we have taken here, we have chosen five organisms. अब इन दिस इज द ग्रुप ऑफ फाइव ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी हैव टू क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिज्म. हमें इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक की. तो कैसे करेंगे? So in order to classify them with the help of a key, we know that first of all we should know what key is. Key के अंदर क्या है? It consists of. So they are based on. Here we have mentioned. So the keys are based on. They are based on contrasting characters. Key के अंदर क्या present है? Contrasting character in the form of pair. So key is what? Basically it is a pair of contrasting characters. So let's take an example of contrasting character. Take one example of contrasting character, such as presence of external ears and absence of external ears. So the first contrasting character, presence of external ears. Second character, absence we'll write in some different manner. External ears present and external ears absent. All right, this is one pair of contrasting character. Guys, are you getting this? What is this character? Kaisa? External ear present hona, external ears absent hona. So this is the pair of contrasting character, opposite characters hai. So here, with the help of this pair of contrasting character, we have to identify these organisms, we have to classify these organisms. So aise kaun se organisms hai, out of these five, jo is category ke andar aayenge, jinke andar external ear present hai,
विच आर दोज ऑर्गेनिजम्स? क्या फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होते हैं? नो. फिश के अंदर? नो. बैट? यस. बैट के अंदर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं. कैट यानी बिल्ली के अंदर भी एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो द एग्जांपल्स आर बैट एंड कैट. बैट एंड कैट, सो दे कम अंडर दिस कैटेगरी. जो बचे हैं दिस थ्री, दे कम अंडर दिस कैटेगरी, एक्सटर्नल ईयर्स अब्सेंट. सो फ्रॉग, फिश एंड बर्ड. फ्रॉग, फिश एंड बर्ड, these three organisms, they come under this category. So this is how we classify these organisms. We identify these organisms on the basis of a pair of contrasting characters. In order to classify these organisms a bit further, thoda aur classify karne ke liye, we will take one more pair of contrasting characters, such as wings present and wings absent. One more pair. So this is the first pair. Now the second pair. Wings present and wings absent. Similarly, yahan par bhi. Wings present and wings absent. अब हमें आइडेंटिफाई करना है इन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है. इन दो में से कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो इस कैटेगरी में आएंगे, विंग्स प्रेजेंट हैं. क्या बैट के अंदर विंग प्रेजेंट होते हैं? यस, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स आर देयर इन बैट. कैट के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं? नो. कैट के अंदर विंग्स अब्सेंट होते हैं. तो कैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी. सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई दिस टू ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. वॉट इज दिस? अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. सिमिलरली वी हैव टू क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो विंग्स प्रेजेंट, फ्रॉग के अंदर विंग्स होते हैं? नो. फिश के अंदर विंग्स? फिश के अंदर विंग्स होते हैं? नो. बर्ड? यस, दे डू हैव. बर्ड, फ्रॉग एंड फिश इस कैटेगरी में आएंगे. सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. एंड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, और वी कैन से या दिस प्रोसेस और दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, वी टर्म इट एज अ की. वॉट इज दिस? अ की. So what we can say, this is first pair of contrasting characters. Pair of contrasting characters. Let's write it properly. Pair of contrasting characters. Contrasting characters. This is the first pair of contrasting characters. And here it is the second pair of contrasting characters. Second pair of contrasting characters. Similarly, this one is the second pair of contrasting characters. I hope you all are getting this. It's quite easy to understand with the help of this example, this definition. को हमने अच्छे से learn करने के लिए we have taken this example. How do we classify the organisms with the help of taxonomical aid? Taxonomical aid क्या होती है? It's basically a pair of contrasting characters. Pair of contrasting characters, and this pair of contrasting character is helpful in the classification, in the identification of various organisms. So this is what taxonomical key is. Now the important thing is that ke ye to ho gaya definition. What is taxonomical key? It's a taxonomical aid used for the classification or identification of plants and animals. So this is how
दिस टैक्सोनॉमिकल की इज हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ सेकंड थिंग, दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दैट वी स्टडीड. सो दिस इज पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. सो टैक्सोनॉमिकल की दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. सो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड. जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तब फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स बैट एंड कैट के लिए दिस टर्म इज एक्सेप्टेड बट दिस टर्म इज रिजेक्टेड. आर यू गेटिंग दिस? फॉर बैट एंड कैट दिस वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड. यहाँ पर इनके लिए ये टर्म, ये कैरेक्टर एक्सेप्ट की गई है बिकॉज दे कम अंडर दिस कैटेगरी. सो दे आर, सो दिस टर्म, दिस कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड बट दिस कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज रिजेक्टेड फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स. बट फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स दिस वन इज एक्सेप्टेड, अनदर इज रिजेक्टेड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड वाइल द अदर इज रिजेक्टेड. नाउ ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड. वॉट डू यू मीन बाई दिस? तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर की, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की पेयर है, इस पेयर के अंदर हर एक स्टेटमेंट, दिस इज वन स्टेटमेंट, दिस इज अनदर स्टेटमेंट इन वन पेयर, इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है. सो द ईच स्टेटमेंट, सो दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टू डिफरेंट लीड्स. इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे लीड, इस स्टेटमेंट को कहेंगे अनदर लीड. This is one lead, this is another lead. Are you getting this? So each statement in a pair of contrasting character is termed as lead. Right, so this is the meaning of this taxonomic key. And this is all about the taxonomic key. Now, let's quickly read the same topic from your textbook. All right. So here the term key is mentioned. Now I'm going to read the same thing for your benefit. Key is taxonomical aid used for the classification of plants and animals. This is what we mentioned in the definition itself. The keys are based on contrasting characters. Yes. दिस इज अगेन वी मैंशन एंड वी डिस्कस कि वो किस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होती है. द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गेट्स एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर एक्सेप्ट किया जाता है वाइल द अदर इज रिजेक्टेड. वो किस तरह से एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट होता है, दैट वी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल एग्जाम्पल. The statement in key is called a lead. Statement in a key. Key के अंदर हर एक statement को हम क्या कहेंगे? Lead. ये जो key है, what is key? A pair of contrasting character. इसके अंदर हर एक statement को हम क्या कहेंगे? Lead. Normally keys are analytical in nature. Generally वो analytical होती है, सांख्यिक रूप में होती है in nature. Let us study about classification of living organisms in the next chapter. Yes, we are going to study classification a little bit in detail in the next chapter. That is systematics of living organisms. इसके अंदर हम study करेंगे. But now, ये तो हो गया different taxonomical keys के बारे में. Here, we need to discuss this point that I told you that we are going to discuss this last paragraph under zoological park. Zoological park के अंदर जो second paragraph दिया है, that we have to study right now. So, इसके अंदर जो different taxonomical keys दिए, that we will discuss in short, in brief only, because these are of less importance. But still, we must study them because they are a part of this chapter, part of this syllabus. So, now we will discuss about flora, manual, monograph and catalog. So, the next taxonomical key is flora. What is flora? क्या होता है flora? Flora is a book, book or a record, we can say book or record, जिसके अंदर present होते हैं information of different types of plants present in a particular area. So what is flora? Flora is a book or record which gives information or which provides information about
फर्स्ट पॉइंट अबाउट लिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. लिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया और डेफिनेट एरिया. मतलब क्या हुआ, फ्लोरा क्या है, एक इस तरह का बुक है या रिकॉर्ड है जिसके अंदर जो हमें प्रोवाइड करता है द इंफॉर्मेशन अबाउट लिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है उन सारे प्लांट्स के नामों की लिस्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है. अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हैबिटेट, प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में, अबाउट देयर मतलब प्लांट्स के हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स देयर एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट जहाँ पर वो ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, दैट इज हैबिटेट. सो फ्लोरा इज अ बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया. पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको एनलिस्ट किया जाता है एक बुक के अंदर, और उनके उन प्लांट्स के बारे में, उन प्लांट्स का जो हैबिटेट होता है उसके बारे में भी उस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन होती है. ऐसे बुक को कहा जाता है फ्लोरा. इट्स अ बुक और अ रिकॉर्ड जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके नामों की लिस्ट होती है और उनके हैबिटेट के बारे में डिटेल्स दिए होते हैं. दैट इज व्हाट फ्लोरा इज. एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा इज फ्लोरा ऑफ दिल्ली. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू गाइज टू नो, बट फॉर योर नॉलेज ओनली आई एम मेंशनिंग हियर. एक बुक है जिसका नाम है फ्लोरा ऑफ दिल्ली विच इज़ रिटन बाय साइंटिस्ट जे के माहेश्वरी. इन्होंने एक बुक लिखा है फ्लोरा ऑफ दिल्ली जिसके अंदर दिल्ली में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, उनकी लिस्ट है एंड उनके हैबिटेट के बारे में डिटेल्स मेंशन है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोरा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल की, दैट इज मैनुअल. सेकंड इज मैनुअल. सो वॉट डू मीन बाई मैनुअल, मैनुअल किसे कहेंगे. अगेन इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ रिकॉर्ड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. सेम पॉइंट इज गोइंग टू रिपीट हियर, इट इज अ रिकॉर्ड दैट प्रोवाइड्स इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन फर्स्ट थिंग अबाउट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. प्लीज राइट दिस डाउन, इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके नाउ सेकंड, सारे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो लिस्टेड है, सारे प्लांट्स के नामों की लिस्ट तो हमें मिल जाएंगी इस रिकॉर्ड के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बुक दिस रिकॉर्ड ऑल्सो गिव्स द इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दोज प्लांट्स. Provides information about characteristic features of those plants. Along with that, it also gives information about the specific group of plant. राइट. सो दिस इज़ वॉट मैनुअल इज. और इसका एग्जाम्पल क्या है, मैनुअल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट, दिज आर द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल यहाँ पर हम मैंशन करेंगे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, आई एम गोइंग टू राइट हियर. मैनुअल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सेकंड मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैनुअल. क्या मतलब हुआ, मैनुअल के अंदर ये जो मैनुअल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है, इस प्लांट्स के अंदर हमें केवल मेडिसिनल प्लांट्स, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट
मेडिसिनल प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट्स व्हाई यू हैव मेंशन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, पर्टिकुलर ग्रुप होगा प्लांट्स का। कल्टिवेटेड प्लांट्स यानी प्लांट्स जिनका हम कल्टिवेशन करते हैं फार्मलैंड में या फिर अदर जगहों में, दैट इज कल्टिवेटेड प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स सर्वाइविंग इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये दिस आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स। सो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, ऑल्सो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस प्लांट्स। इन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन होंगे, अलॉन्ग विद दैट देर इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स, इन सारे प्लांट्स की लिस्ट होगी, नामों की लिस्ट होगी। सो दिस इज वॉट मैनुअल इज। नाउ द नेक्स्ट फीचर, द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज मोनोग्राफ। सो नाउ मोनोग्राफ, मोनोग्राफ क्या है? इट इज अगेन अ रिकॉर्ड, इट इज द रिकॉर्ड दैट डिस्क्राइब्स ओनली वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप। It is a record that describes केवल एक single biological group। क्या मतलब हुआ इसका? Let's try to understand। एक इस तरह का रिकॉर्ड होता है कि जो डिस्क्राइब करता है केवल सिंगल बायोलॉजिकल ग्रुप को। फॉर example, बायोलॉजिकल ग्रुप किसे कहेंगे? सपोज जीनस हो गया, प्लांट का जीनस, एक पर्टिकुलर जीनस। वी नो दैट साइंटिफिक नेम इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। साइंटिफिक नेम, किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नेम में दो पार्ट्स होते हैं, वन जीनस, अनदर इज स्पीसीज। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जीनस को कहें तो जीनस इज वन बायोलॉजिकल ग्रुप। तो इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ग्रुप यानी जीनस, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोनोग्राफ ऑफ द जीनस अवेना। एग्जाम्पल मोनोग्राफ ऑफ जीनस अवेना। अवेना इज द जीनस ऑफ ओट। द कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ ओट इज अवेना सटाइवा। तो अवेना सटाइवा में से अवेना इज द जीनस। व्हाट इज दिस? दिस इज जीनस। यहां पर हमने मेंशन किया है जीनस अवेना, विच इज द जीनस ऑफ ओट। ओट का दिस इज द जीनस जिसे कहते हैं अवेना सटाइवा। ऑल राइट, वी नीड नॉट मेंशन इट हियर, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम मेंशनिंग हियर जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट अवेना सटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओट, जिसमें से अवेना इज अ जीनस। तो ये जो मोनोग्राफ है, ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द जीनस अवेना, इट डिस्क्राइब्स ओनली द डिटेल्स ऑफ दिस अवेना जीनस। तो इस मोनोग्राफ के अंदर हमें केवल इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोग्राफ। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट मोनोग्राफ्स आर। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टैक्सोनॉमिकल फीचर और द टैक्सोनॉमिकल एड इज कैटलॉग। हम कैटलॉग किसे कहेंगे? कैटलॉग, what do you mean by catalog? Catalog is again a record that gives information about listing of organisms. It is a record that gives information about, किसके बारे में information देता है ये? About listing of organisms, listing of organisms in an alphabetical manner, about first listing of organisms in an alphabetical manner, इसका मतलब क्या हुआ? कैटलॉग एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अल्फाबेटिकली लिस्टेड होते हैं। अल्फाबेटिकली मतलब फर्स्ट ए से स्टार्ट होने वाले एनिमल्स, देन उसके बाद उसके नीचे बी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले एनिमल्स, एंड देन सी से स्टार्ट होने वाले, एंड लाइकवाइज अप टू जेड। सो दिस इज व्हाट द अल्फाबेटिकल मैनर इज। तो इन ऑर्गेनिजम्स को लिस्ट किया जाता है अल्फाबेटिकल मैनर में। सेकंड, इट आल्सो डिस्क्राइब्स, ये जो कैटलॉग है, इट आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज
organisms. It gives information about the characteristics of those organisms. So this is the meaning of catalog. Catalog के बारे में this point should be very clear कि इसके अंदर जितने भी organisms होते हैं they are listed in alphabetical manner. This is the very important significant point related to catalog. So this is all about the various types of taxonomical aids. We have studied all the taxonomical aids which are mentioned in your syllabus. All right. Now, so this is how we have completed this chapter as well. But before we mention that we have completed this chapter successfully, let's discuss on a couple of portions which are highlighted in your textbook. आपके textbook में कुछ parts highlight किए गए हैं. So we have to discuss on those parts. Like on the first page, this is one highlighted portion, this is second highlighted portion, green color and yellow color highlighted paragraph or the block. We already discussed about this highlighted portion purple color में जो है इसके बारे में हमने already discuss किया है in a elaborated manner में in the very first lecture of this chapter. But now we have to discuss about these two paragraphs, what these questions are all about and what are their meanings and what are their answers. So let's quickly try to understand these questions as well. So now I'm reading from this green colored highlighted paragraph. How can we study large number of organisms at a glance? इसका इस क्वेश्चन का मतलब होता है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हम एट अ ग्लांस कैसे स्टडी कर सकते हैं. एट अ ग्लांस मतलब देखते इमीजिएटली, देखने के बाद इमीजिएटली हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं. यस, व्हाट इज़ योर आंसर, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? तो या गाइज लिसन हियर, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन, जैसे हम किसी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने के बाद हम क्या हमारे नज़र में क्या आता है, देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस. एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही कहते हैं देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. तो जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आता है देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स कैरेक्टर्स और द फीचर्स रिलेटेड टू देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस. सो द मोमेंट वी लुक एट एनी ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू रिकलेक्ट द एक्सटर्नल फीचर, द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. सो हाउ डू वी, आई विल राइट दिस क्वेश्चन. How can we study large number of organisms at a glance? First question. How can we study large number of organisms at a glance? देखते ही हम बहुत सारे organisms को इमीजिएटली कैसे स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा, वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम इन आवर माइंड इज देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनका स्ट्रक्चर अपीयरेंस किस तरह का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिस्ट डाउन और मेक अ लिस्ट ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम नोट डाउन करेंगे. इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे विद द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑलरेडी स्टडीड. कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड विथ already studied organisms. जिन organisms को हमने already study किया है, जिन organisms के हमने already characteristic features study किया है and on their basis, on the basis of their characteristic features हमने उनको classify कर दिया है, ऐसे organism के साथ हम उनको compare करेंगे and compare करने के बाद हमें ये बात पता चलेगी कि ये organism, ये particular organism, suppose
एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है ए, बी, सी, डी, ऐसे चार ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनके हमने फीचर्स नोट डाउन कर लिए, राइट इनके फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमने नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन करने के बाद हमें पता चलता है कि ए एंड बी इसके जो फीचर्स हैं ये सिमिलर हैं टू द ऑर्गेनिज्म जेड, इस जेड ऑर्गेनिज्म के साथ ये मैच करते हैं, और ये जो जेड है ये एनिमल इट कम्स अंडर द अंडर अ पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आता है। इट मीन्स दिस टू ऑर्गेनिज्म दे बिलोंग टू दिस फैमिली, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस मेथड ऑफ स्टडी ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। दिस इज वॉट क्लासिफिकेशन इज, इट मीन्स वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स एट अ ग्लांस। सो दिस मेथड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन विच विल हेल्प अस टू स्टडी दिस ऑर्गेनिजम्स एट अ ग्लांस। सो दिस इज द आंसर, आई होप दिस इज क्लियर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमारे माइंड में आ गए, हमने कंपेयर किया विद द ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑलरेडी स्टडीड एंड क्लासीफाइड। तो जैसे ही हम उनको कंपेयर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी अभी देखा वो कौन से ग्रुप में आता है, कौन से फैमिली, कौन से जीनस, उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑर्गेनिजम्स एट अ ग्लांस। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स उनका फूड प्रिपेयर करते हैं? वट डू यू थिंक? प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या वो प्रिपेयर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओनली ऑटोट्रॉप्स, द ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज द फूड मटेरियल एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सो ओनली ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। सो इसका आंसर क्या होगा? नो, ओनली ग्रीन प्लांट्स, इन्हीं को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, कैन प्रिपेयर their own food material. Animals, they are dependent upon plants for their food. So animals, they are called heterotrophs. Then fungi, they are the saprophytic organisms. They feed upon dead and decaying material. So this is the answer to this second question. Now the third question, which features can be considered as all inclusive characteristic of life and why? Which feature is all inclusive? Third point, which feature is all inclusive, characteristic feature, characteristic of life and why? कौन सा फीचर है और वो क्यों है? Which is that feature? And that feature is nothing but metabolism, because metabolism, we studied what is metabolism, it is the sum total of all chemical reactions occurring inside the body of living organism. जब तक living organism survive कर रहा है उसके body के अंदर metabolic reactions होती रहेंगी, चाहे anabolism हो, यानी formation हो, या breakdown, that is catabolism हो, इनका ये metabolic reactions से होती रहेंगी। So metabolic reactions, they occur throughout the life of living organism, that's why metabolic reactions are the all inclusive characteristic of life. Consciousness हम नहीं कह सकते, बिकॉज ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, मीन्स दे लूज देयर सेल्फ कॉन्शियसनेस खो देने के बाद भी स्टिल दे सर्वाइव, बिकॉज मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनके बॉडी के अंदर होती रहती है, चलती रहती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और द मेटाबॉलिज्म। सो हियर इट इज मेटाबॉलिज्म, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस येलो बॉक्स, येलो हाईलाइटेड बॉक्स।
Can metabolic reactions demonstrated in a test tube called in vitro test be called living? So now guys, test tube ke andar, so this is the next question. So how do we answer to this question? Very simple. First thing, reactions in a test tube, metabolic reactions in a test tube. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर. इसी को कहते हैं इन विट्रो एंड इन वीवो. अंडर टर्म इज इन वीवो, इट मींस विद इन सेल और विद इन अ प्लांट बॉडी. इन विट्रो मींस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द प्लांट बॉडी, परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब और लेबोरेटरी, दैट इज इन विट्रो. तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म की जा रही है, इसी को हम कहते हैं इन विट्रो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो क्या हम इन्हें लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? दिस इज अवर क्वेश्चन. So the answer is the reactions which are happening, these are not living things, but certainly they are the living reactions. They are not living things, but they are living reactions. Why is that so? Because for the occurrence of these metabolic reactions, there is requirement of substrate, and the substrate could be non-living. That's why these are not living things. Because metabolic reactions ke andar non-living things ka bhi use ho sakta hai as a substrate. That's why they are not living things. Substrate could be non-living. That's why they are not living things. But for the occurrence of these reactions, metabolic reactions, there is involvement of we can say the living component, such as cell ka use ho sakta hai, enzymes ka use hota hai, and these are living components. That's why these are called living reactions. So the metabolic reactions performed in a test tube, in vitro reactions, they are not living things, but certainly they are living reactions. I hope this point is clear to all of you. Cells, enzymes. That's why they are not living things, but they are the living reactions. So this is about the in vitro. Now the last point, which is there in your test book. Nowadays patients are declared brain dead. In the patients ko brain dead declare kiya jata hai and are on life support and a ventilator ya oxygen ke upar unko rakha jata hai. Brain dead and unka brain kaam nahi karta. It means they have lost their self consciousness. They do not show any sign of self-consciousness. यानी खुद की चेतना वो खो दे चुके होते हैं. Are they living or non-living? ऐसे patients को हम living कहेंगे या non-living? So the answer is quite simple over here. Let's mention it here. So we have a patient. Who has lost his self-consciousness. So the patient we have a patient who has lost self-consciousness kho chuka hai. तो ऐसे पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? यानी खुद की चेतना खो चुका है, अगर हम उसको टच करते हैं, पिंच करते हैं, तो उसको महसूस नहीं होता. दिस इज द साइन ऑफ हैविंग बीइंग लॉस्ट द सेल्फ कॉन्शियसनेस खो चुकने का एक सिम्टम है कि अगर हम उसे टच करते हैं, पिंच करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता. इट मीन्स दैट पेशेंट हैज़ लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? द आंसर इज भले ही उसने अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस खो दिया है, बट स्टिल उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैपनिंग. एज लॉन्ग एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैपनिंग, बिकॉज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैपनिंग, वी विल से दैट द पेशेंट इज स्टिल शोइंग लाइफ. Metabolic reactions are happening. उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हो रही है, केमिकल रिएक्शंस,
कुछ चीज़ों का बनना, मतलब फॉर्मेशन, ब्रेक डाउन, ये उसके बॉडी के अंदर चल रहा है. वी कॉल इट एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, इट मीन्स इट इज शोइंग लाइफ, इट शोज लाइफ. हाउएवर, भले वो लाइफ शो कर रहा है, नाउ हियर वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट. सेल्फ कॉन्शियसनेस खो दी है, बट फिर भी उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है. इस सिचुएशन में इफ द पेशेंट्स कॉन्शियसनेस इज रिस्टोर्ड, अगर पेशेंट का कॉन्शियसनेस रिस्टोर हो जाता है, इफ द कॉन्शियसनेस इज रिस्टोर्ड, इफ द कॉन्शियसनेस इज रिस्टोर्ड, सो इफ द कॉन्शियसनेस को रिगेन करता है, अगर कॉन्शियसनेस को रिगेन करता है, रिस्टोर करता है, देन द पर्सन कैन स्टार्ट हिज लाइफ वंस अगेन एंड देन इट इज सेड टू बी लिविंग. इट इज सेड टू बी लिविंग. अगर उसका कॉन्शियसनेस वापस आता है, चेतना वापस आती है, तो वी कॉल इट एज दैट पर्सन विल बी क्लेम्ड एज लिविंग. बट अगर If consciousness is not restored, अगर consciousness not regained, not restored, तो in that case the person is claimed to be the dead organism. Or we can say if the consciousness restored, we call it as living. लेकिन अगर लंबे समय तक उसका कॉन्शियसनेस उसने रिगेन नहीं किया, देन सच ऑर्गेनिज्म और दैट पेशेंट विल बी क्लेम्ड एज डेड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो भले वो पेशेंट कोमा के अंदर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसने खो दिया है, स्टिल उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैपनिंग. सो वी कैन से दैट पेशेंट इज शोइंग अ साइन ऑफ लाइफ, उसके अंदर जान है, दैट पर्सन इज लिविंग. तो अगर लंबे समय के बाद अगर वो रिगेन करता है अपने कॉन्शियसनेस को, हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज लिविंग. बट फिर भी अगर लंबे समय के बाद भी अगर वो कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं कर पाता, देन दैट पेशेंट विल बी क्लेम्ड डेड. सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. नाउ सो विद द आंसर टू दिस क्वेश्चन वी कैन gladly say that we have completed this chapter successfully, right? So we have completed this chapter with utmost enthusiasm and due care. So guys, in this chapter we studied all the topics one by one in detail. First of all, right in the beginning, in the very first chapter, we studied about what are biotic components, what are abiotic component. Then we studied basic principles of life. Under this category, basic principles of life, we studied the important characteristics of living organisms such as metabolism, growth and development, reproduction, then aging process, death and response. और इसे को consciousness कहते हैं. तो इनको इनके बारे में हमने study किया. Then we studied about diversity. Diversity के बाद हमने study किया taxonomical aids. There are various types of taxonomical aids that we studied: herbarium, botanical garden, museum, zoological parks, biodiversity parks, as well as keys. तो इन सारे taxonomical keys and all these topics we have covered in this chapter one by one in detail. Along with that, we also completed the reading of this chapter from your textbook. So anyhow, we have completed this chapter successfully, and I'm sure you all must have enjoyed this chapter through my all lectures. So this is all about this chapter. Now in the next lecture we will start with the new chapter, that is Systematics of Living Organisms. All right. Thank you so much. Take care.